हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू परवल की एक बहुत ही सिंपल, कम मसालों में तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। हम अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें करीब 2 स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून मेथी दाना की डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और करीब 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। मसाले हम गरम तेल में थोड़े से चला लेंगे, ध्यान रखेंगे कि उनको हमें जलाना नहीं है, और फिर इसमें हम परवल जो हमने पहले से काट के रखे थे वो डाल देंगे। तो परवल को मैंने धो लिया, उसकी स्किन ऑफ की है और फिर मैंने उसको काट के डाला है। अब इसमें मैं आलू जो मैंने पहले से काट के धो के रखे थे वो भी ऐड कर दूंगी और दोनों को अच्छे से स्टर फ्राई करूंगी। मैं इसमें करीब 2 टीस्पून नमक डाल दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून इस समय ऐड किया है। अब सभी मसालों को, सब्जियों को अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे हम, और फिर हम इसके ऊपर लिड ढक देंगे और मीडियम में अपना फ्लेम कर देंगे और इसको करीब 4 से 5 मिनट स्टीम में पकने देंगे। लिड हटा के फिर से सब्जी को चला लेंगे, उसको अलट पलट कर लेंगे और फिर लिड ढक के उसको भाप में पकने देंगे। हम इधर इस स्टेज में कोई पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अपने भाप में, अपनी स्टीम में ही पक के सब्जी तैयार हो जाएगी। और इसी तरह बार लिड ढकेंगे, लिड के हटाएंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे और फिर लिड लगा देंगे और उसको कुक होने देंगे जब तक कि हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते। देखिए, ऐसी स्टर फ्राई करते रहेंगे, चलाते रहेंगे इसको, भूनते रहेंगे सब्जी को। अब यहाँ पे हम अपने आलू चेक कर लेंगे, आलू हमारे गल चुके हैं तो अब हमें इसमें लिड ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हमें स्टर फ्राई करना है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे आलू परवल गल चुके हैं तो हम इसे अब फ्लेम इसकी तेज़ कर लेंगे। तो फ्लेम हम तेज़ करने के बाद इसको स्टर फ्राई करते रहेंगे जैसे कि ये जल ना जाए, और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। तो आप देख सकते हैं इसके भुनने की वजह से आलू का कलर भी अच्छा आ रहा है, सब्ज़ी की थोड़ी सी लुक चेंज हो रही है और ये और रेडी लग रही है खाने के लिए। तो अब हमारी सब्ज़ी जब रेडी हो गई है तो इसमें हम थोड़े से चॉप कोरिएंडर ऐड कर देंगे जैसे कि उसमें वो और भी फ्लेवर और लुक इन्हांस कर दें। देखिए, हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई है। ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, इसे आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ या दाल चावल के साथ खाइए, किसी के साथ भी साइड में खाइए, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें और इसका आनंद लें।